नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चीन लगातार हिंदुस्तान को धमकियां दे रहा है, यूं कहें कि गिदर भभकी दे रहा है कि भारत को कई मुहाने पे लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। अखबार में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि चीन का कहने का मतलब ये है कि चीन तो हमला करेगा ही, साथ ही साथ पाकिस्तान भी हमला कर सकता है, नेपाल भी अपने बॉर्डर्स खोल सकता है। इस तरह की बातें हो रही है और ऐसे मौके पे जब पूरे देश को, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर के चीन का मुकाबला करना चाहिए, तो ये पता नहीं राहुल गांधी रात में क्या खा लेते हैं, क्या पी लेते हैं। सवेरे सवेरे एक हैंगओवर सा बिल्कुल स्टोन्ड चेहरा लेकर के कोई वीडियो बना देते हैं, कभी ट्वीट कर देते हैं, पता नहीं उनके एडवाइजर्स कौन है। आज उन्होंने कमाल कर दिया, उन्होंने अभी तक कई जो हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी चिता में अभी आग भी नहीं लगी है, और ये सवाल उठा रहे हैं कि इन सैनिकों को जो शहीद हुए उनको निहत्थे क्यों भेज दिया गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इनके कहने का मतलब ये है कि इंसिन्यूएट करना ये चाह रहे हैं, लोगों को गुमराह ये करना चाह रहे हैं कि भारत की सरकार निहत्थे इन लोगों को भेज दी चीन के पास कि जाके मर जाओ। और ये इस तरह की गंदी राजनीति का नतीजा ये है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की नज़रों में लगातार तो वो गिरती चली जा ही रही है। राहुल गांधी बिल्कुल एक पॉलिटिकल जोकर बन गए हैं, और जब इस तरह के सवाल जवाब उठते हैं तो लोग बहुत बार ये सवाल पूछते हैं कि भी आखिर कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को और ये गांधी परिवार को क्या हो गया है जो हर बार जब भी चीन का मसला फंसता है तो ये चीनियों के साथ नजर आते हैं। जब डोकलाम हुआ था बहुत सारे लोग, ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है कि जब डोकलाम हुआ था तो चाइनीज एम्बेसी के अंदर ये गांधी परिवार का पूरा कुनबा, उसमें राहुल गांधी भी थे, कि ये वहां पे मोमोज और चाइनीज चॉपसी खाने क्यों पहुंच गए, क्या अंदर बातचीत हो रही थी, और ये भी सीक्रेट तरीके से। जब ये खबर आई तो पहले सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई है। जब तस्वीरें बाहर आ गई तब इनको मानना पड़ा कि हाँ ये लोग गए थे। इसी तरीके से जब कैलाश यात्रा, ये जो अचानक शिवभक्त बने थे चुनाव से पहले राहुल गांधी, तो नेपाल के जरिए वो कैलाश मानसरोवर गए थे, लेकिन वो तो सीधे सीधे कैलाश मानसरोवर पहुंचे नहीं, वो वहां से लासा गए थे। लासा में फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि वहां बहुत सारे चाइनीज मिनिस्टर्स और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है और ये सारी बातें, इसका क्या मतलब है, और ये जो सवाल कांग्रेस पार्टी पे उठाया जा रहा है उसके पीछे की दलील क्या है, तो आज मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे की दलील क्या है। दलील ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी, ये जो गांधी परिवार, ये दोनों में एक MOU साइन हुआ था। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति है क्या। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति वहाँ इस प्रकार है कि जो सरकार है वहाँ वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। चीन में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ एक पार्टी का रूल है। वहाँ जो आर्मी भी है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आर्मी है, जिसको ये PLA कहते हैं, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। ये लिबरेशन आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी होती, जैसे हिंदुस्तान में जब ये नक्सलाइट्स फर्जीवाड़ा कर रहे थे यहाँ पे, तब भी इन्होंने अपने आप को लिबरेशन आर्मी कहा था। और ये बहुत जो हिंदुस्तान में जो वामपंथी है वो लिबरेशन आर्मी आ रही है, 62 में देश को आज़ादी दिलवाएगी, ये इस तरह का नारा देते थे। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करार हुआ, कहाँ करार हुआ, कांग्रेस पार्टी का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के बहुत सारे चट्टे बट्टे जो लीडर्स हैं, ये लोग बीजिंग गए थे, चीन गए थे, वहां पे इनकी मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स से हुई, और तो और वहां पे एक MOU साइन किया गया। वैसे MOU साइन होता है कंपनीज के बीच में, देशों के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, वो भी दो वॉरिंग नेशन, ऐसा देश जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करना चाहता है, उस देश को चलाने वाली पार्टी, उसके साथ आपने
एमओयू साइन किया। उस एमओयू का मतलब क्या है मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड में बताता हूं कि एमओयू जो है वो द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड्स द टू पार्टीज द अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट बायलैटरल रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच जो चीन और भारत के जो रिश्ते हैं इस मुद्दे पे, जो रीजनल जो पाकिस्तान नेपाल और ये जो साउथ एशिया का जो मसला है जो आसपास का इलाके का, उसके ऊपर भी ये लोग आपस में कंसल्ट करते हैं, और तो और जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं इस पे भी ये दोनों आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। और इसलिए जब लोग सवाल पूछते हैं कि डोकलाम के समय ये जो वहां पे चाइनीज चॉपसी खाने के लिए एम्बेसी पहुंच गए थे तो वो क्या था, ये कांग्रेस पार्टी को ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये लोग जब डोकलाम में हमारे सैनिक चीनी सैनिक के साथ लड़ाई लड़ रहे थे तो ये जो वहां पहुंचे वो क्या था, क्या उसी एमओयू को इसको पालन करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप इस तरह से काम कर रहे थे। ये जो सवाल ये भी पूछा जाएगा, ये जो लगातार कांग्रेस पार्टी ये जो हिंदुस्तान में सवाल पूछ रही, मैं एक बात और आपको बता दूं, ये प्रोपोगंडा करने का स्टाइल इस चीज को समझिएगा कि जो भी ये जो चाइनीज एजेंट्स है, मैं लगातार इस बात को कैपिटल टीवी में बड़े खुले रूप से मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे ये जो लेफ्ट लिबरल पूरा कबाल है ये चाइनीज के पेरोल पे है। चीन से इनके पास पैसा आता है, चीन के जरिए इनके पास हथियार आता है। ये पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से कि छत्तीसगढ़ में जो लोग मारे गए थे, जो पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का पूरा यूनिट गायब हो गया था, बहुत सारे लीडर्स मारे गए थे, वो जो हथियार इस्तेमाल हुआ तो हथियार कहां से आया था। ये इतने बेईमान लोग हैं कि इनको सब पता है। उस समय की जो रिपोर्ट आई थी, वहां की जो खुफिया रिपोर्ट, इंटेलिजेंस आईबी ने सब कुछ बता दिया था कि ये सारे वेपन्स चाइना से आए थे। तो राहुल गांधी को ये बताना पड़ेगा कि भैया जो चाइना के साथ, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ आपके जो एमओयू है उसका राज क्या है। और अगर इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि किसी न किसी को कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि तो ये इससे बड़ा कोई और प्रूफ नहीं हो सकता है कि ये लोग जो है इस देश को सेबोटाज करने में जुड़े हुए हैं और इस तरह के सवाल करें। और मैं आपको बता दूं, ये जो एमओयू तस्वीर आपने देखी, ये जो एमओयू साइन हुआ था वो किसके किसके बीच साइन हुआ था, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो जनरल सेक्रेटरी थे, ये अभी जो शी जिनपिंग हैं, ये जो हिटलर दुनिया का सबसे बड़ा अभी जो ऑथोरिटेरियन हेड ऑफ द स्टेट है, शी जिनपिंग और राहुल गांधी के बीच में ये करार किया गया था कि हम हिंदुस्तान और चाइना के बीच जो बायलेटरल इशू है उस पे रीजनल और इंटरनेशनल इशूज के ऊपर आपस में हम लोग कंसल्ट करते रहेंगे। और ये सब कहां हो रहा है, ये सब चाइना में हो रहा है। कुछ और मैं डिटेल बताता हूं कि ये लोग जो वहां गए थे तो उस दौरान क्या हो रहा था। ओलंपिक में ये लोग गए, सोनिया गांधी तो सिंपल एमपी थी, वो तो प्रधानमंत्री नहीं थी, राष्ट्रपति भी नहीं थी, राहुल गांधी सिंपल एमपी थे, लेकिन शी जिनपिंग के साथ इस करार के बाद जो सबसे मोस्ट वीआईपी जो गैलरी था, जहां पे बुश, पुतिन, बाकी सारे लोग जो थे, उस गैलरी में इनको जगह दी गई। आप इस बात को समझिए, ये कितना, ये जो रिश्ता है कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कितना पुराना और कितना गहरा है। क्योंकि ये आम कोई आदमी तो चाइनीज तो वो हिंदुस्तानियों को उस तरह से ट्रीट करते नहीं है, कुछ ना कुछ खास बात जरूर होगी। और जिस तरीके से अभी जब से ये मसला कोरोना का फैला है, आप देखिए कांग्रेस पार्टी चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है, पूरी दुनिया के सामने चीन एक विलन राष्ट्र के रूप में उभर के आया है, वो हिंदुस्तान की जमीन को हड़पना चाहता है। आर्टिकल 370 का चीन ने विरोध किया, अब देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी उसका विरोध करने लग गई। पार्लियामेंट के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल उठाया था कि ये किस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता है, क्योंकि ये मसला इंटरनेशनल मसला है। और आपको याद होगा कि अधीर रंजन चौधरी ने चीन के खिलाफ एक ट्वीट कर दिया था, सांप कह दिया था कि सांप को जो किस तरह से उसके माथे को जो कुचला जाता है वो हिंदुस्तानी जानते हैं, इस तरह का ट्वीट उन्होंने चीन के खिलाफ किया। आधे घंटे में गांधी परिवार के लोगों ने बकायदा
उसको फोर्स किया कि तुम इस अपने इस ट्वीट को डिलीट करो, और ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि ये जो सवेरे सवेरे जो सवाल पूछने की जो बीमारी लग गई है राहुल गांधी को, और किसके कहने पे वो बीमारी लगी है ये पता नहीं, ये आदेश कोई इनके सलाहकार ग्रुप से आता है या सीधे इन्हें बीजिंग की तरफ से कुछ डिक्टेट मिलता है MOU के जरिए कि ये आपको सवाल करना है इसलिए वो सवाल पूछते हैं। मैं एक बात बता दूं, गद्दारों को पहचानने का बहुत क्लासिकल तरीका है। जो लोग सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनल में, जो पॉलिटिकल पार्टी इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू कर दे कि हमारे सैनिक मारे गए, हमारे सैनिक मारे गए, वो श्रद्धांजलि भी देंगे और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे हमारे सैनिक मारे गए, वो गद्दार है। क्योंकि वो शख्स नहीं बताएगा कि जब हमारे 20 मारे गए तो हमने 43 मारे भी उनके। हमारे सैनिक इस तरह से फंस के नहीं मरे हैं, लड़ते लड़ते मारते मारते मरे हैं। और ये सिचुएशन के लिए वो कभी नहीं कहेंगे कि जो सिचुएशन, जो स्टैंड ऑफ जो हुआ है, ये चीन के विश्वासघात का नतीजा है। ये कहीं कभी नहीं कहेंगे। और ये कहेंगे कि भाई कि अब प्रधानमंत्री जो वो डर गए हैं, वो पॉलिसी कुछ है नहीं, सब लोग चुप हैं, कोई चुप नहीं है, कोई डर नहीं है, और हिंदुस्तान की सेना जिस तरीके से इन्हें छूट दी गई है बॉर्डर के ऊपर ऑपरेशन के लिए, जो इंडिपेंडेंस, जो ऑटोनोमी वो डिसीजन मेकिंग में खोज रहे थे, सारे कमांडर्स को दे दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो बॉर्डर पर तैनात हिंदुस्तानी सेना है उनका जोश जो है बिल्कुल टॉप क्लास, बिल्कुल हाई। और अगर चीन की तरफ से कोई भी इस तरह की एडवेंचरिज्म किया गया इस बार, जिस तरह से इन लोगों ने गलवान घाटी में किया है, तो इस बार चीन के दांत खट्टे हो जाएंगे, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान की सेना बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी जो लगातार इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना चाह रही है, वो देश के लिए घातक है। चीनी इतने शातिर हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में किस तरीके से वहाँ की जनता, वहाँ के लोग पार्टी पॉलिटिक्स में आपस में बटे हुए होते हैं। चीन में तो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, वहाँ तो पार्टी ही सरकार है, पार्टी ही देश है, पार्टी ही आर्मी है, पार्टी ही पुलिस है, तो वहाँ पर वो डिफरेंसेस पता नहीं चलता। लेकिन ये लोग, ये कम्युनिस्ट इतने शातिर हैं, इनको पता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में किस तरीके से फूट डाला जा सकता है। और जब हिंदुस्तान में राहुल गांधी जैसे लोग राजनीति के पिनाकल में बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड बने हुए हैं, तो चाइनीज जो साजिश करने वाले लोग हैं उनके लिए ये रास्ता और भी आसान हो जाता है। चीन और भारत के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, बॉर्डर पे जो चल रहा है, उसमें जो इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है उसका, उस पर लगातार कैपिटल TV में हम वीडियो बना रहे हैं। आप देखते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।